दोस्तों, आपने कभी ना कभी ट्रेन में सफर तो जरूर किया होगा, है ना? अगर नहीं किया है तो रेलवे स्टेशन या पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन आपने जरूर देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन ट्रेन के डिब्बे कैसे बनाए जाते हैं, या फिर उसमें लगे पहियों को कैसे बनाया जाता है? जिन पटरियों पर ये ट्रेन दौड़ती है उन्हें कैसे बनाया जाता है, शायद 20% लोग ये भी नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी चीज लाइव जरूर करें और इसके साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन के डिब्बों यानी कि कोचेस की, क्योंकि इनके बिना ट्रेन के पहियों और पटरियों पर कोई काम नहीं हो सकता। ट्रेन के डिब्बे ही होते हैं जो कि रोजाना ट्रेन के सफर करने वाले लाखों लोगों का बोझ उठाते हैं। चलिए जानते हैं कि रेल कोच फैक्ट्रीज में कैसे बनते हैं। दोस्तों, कोच बनाने की शुरुआत होती है बड़ी बड़ी स्टील सीट्स को एक साथ जोड़ने से। इस काम को करने के लिए काफी सावधानी बरती जाती है ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। डब्बे की हर एक साइड को अलग अलग जगहों पर बनाया जाता है, जैसे बाईं साइड का हिस्सा अलग, दाईं साइड का हिस्सा अलग और छत का हिस्सा भी अलग ही बनाया जाता है। फिर सारे हिस्सों को एक साथ लाया जाता है और उन्हें जोड़कर डिब्बों का आकार दे दिया जाता है। इस काम में बड़े बड़े क्रेन्स का इस्तेमाल होता है। जब अलग अलग सीट्स को डब्बों का आकार देने का काम पूरा हो जाता है तो फिर इन खोखले डब्बों को पेंट करने के लिए भेज दिया जाता है। जब पेंटिंग का काम पूरा हो जाता है तो इन्हें पहियों के ऊपर सेट कर दिया जाता है। ये पहिए कैसे बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम डब्बों को रेडी कर लेते हैं, उसके बाद पहियों की बात करेंगे। पेंटिंग के बाद बारी आती है डब्बों के इंटीरियर को पूरा करने की। इस प्रोसेस में तमाम तरह की फिनिशिंग की जाती है, जैसे फ्लोरिंग, पेलिंग, सीट, होल्डिंग, बार्स, पानी से लेकर टॉयलेट और इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी की जाती है। ये सारे काम हाईली स्किल्ड कारीगरों के द्वारा किए जाते हैं। एक बार जब सारे काम पूरे हो जाते हैं तो फिर डब्बों पर फाइल पेंटिंग करके उनकी फिनिशिंग कर दी जाती है। अब बारी आती है वेयर हाउस में डब्बों की टेस्टिंग की, जिसमें अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर ये तैयार डब्बे ट्रेन के साथ जोड़ दिए जाएंगे और इस तरह पूरा होता है ये शानदार कोचेस बनाने का काम, जिसमें देश की बड़ी आबादी रोजाना हजारों किलोमीटर का सफर तय करती है। दोस्तों, ट्रेन में सफर करते वक्त क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रेन के जो पहिए रोजाना हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं, उन मजबूत पहियों को कैसे बनाया जाता होगा? आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहिए बनाने की शुरुआत होती है लोहे के रॉड से। सबसे पहले इसे ऑटोमेटेड रोटेटिंग ब्लेड की मदद से काट लिया जाता है और फिर इस भारी भरकम टुकड़े को मैग्नेट की मदद से मूव किया जाता है। अब बारी आती है लोहे के इन बड़े बड़े रोल्स को इंडक्शन में रखने की। आपको बता दें कि इंडक्शन इतना पावरफुल होता है कि मात्र 20 मिनट में ही 10 से 15 रोल्स को सुर्ख लाल कर देता है। फिर इस गर्म रोल को प्रोसेसिंग मशीन पर रखा जाता है, जहां मशीन के दो आर्म पहले तो रोल को सही जगह सेट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग मशीन इसे सेट करती है। इस मशीन का खांचा रेल के पहियों की तरह होता है और दो बार प्रोसेसिंग से ये रोल पहिए का आकार ले लेता है। फिर क्लो मशीन से इस रोलर मशीन में इसे डाला जाता है, जो इसे शेप देती है और डिजाइन को कंप्लीट करती है। इसे इस तरह की शेप में ढाला जाता है कि ये पटरी पर फंस कर चले। शेप आने के बाद इस पहिए को दूसरी प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो इसमें एक्सल के लिए छेद करती है और छेद होने के बाद भाप वाली मशीन इस पर भाप मारती है और फिर एक सेंसर इसका साइज मापता है। फिर इसे पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे फायरिंग मशीन पर रखा जाता है, जो इसके एज को क्लीन करती है और इसको चकमा देती है। फिर इन्हें एक्सल पर फिट किया जाता है और इन्हें टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में पास होने के बाद इस पर कलर कर दिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है और ऐसे ये ट्रेन के पहिए बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों, ये तो ही ट्रेन के डब्बों और पहियों की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये ट्रेनें जिन पटरियों पर दिन रात फर्राटे से दौड़ती हैं, उन्हें कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, शुरुआत में रेल की पटरियों को लोहे से बनाया जाता था, लेकिन धूप और बारिश की वजह से लोहा अक्सर जंग खा जाता था और इससे पटरियों के टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते थे। ट्रेन के गुजरते रहने की वजह से इनका साइज भी कम हो जाया करता था। इन सब परेशानियों को देखते हुए पटरियों को स्टील से बनाया जाने लगा। आज के समय में तो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके पटरियां तैयार की जा रही हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन का स्क्रैप उठाकर एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। कंटेनर फुल होने पर ट्रेन की मदद से फर्नेस में डाल दिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक करंट के जरिए सारे स्क्रैप को 1600 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। इससे एक किस्म का लावा तैयार हो जाता है, जिसे पहले एक कंटेनर में डाला जाता है, फिर ट्यूब की मदद से सांचे में ढाल दिया जाता है। ये ऐसा सांचा होता है जो लावा को लंबे लंबे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। आपको बता दें, इन ब्लॉक्स को ब्लूम कहा जाता है। अब एक पावरफुल हीट टॉर्च की मदद से इन्हें 3.5 मीटर के टुकड़ों में काट कर अलग कर दिया जाता है। क्रेन इन्हें फिर से फर्निश में डाल देती है,
जहां इन्हें फिर से 1200 डिग्री सेल्सियस पर 5 घंटों तक गर्म किया जाता है। अब ये लाल हो चुके स्टील को कन्वेयर बेल्ट की मदद से दूसरे मशीन तक पहुंचा दिया जाता है, जहां रोलर लगा होता है। अब जैसे स्टील ब्लॉक इन रोलर से गुजरता है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जब स्टील इस मशीन के भीतर से 3 से 4 बार गुजर जाती है, तब ये अपनी लंबाई से 4 गुना तक बढ़ जाती है। अब एक बार फिर से ब्लेड इन्हें 4 हिस्सों में काट देती है। अब एक बार फिर से इन्हें फर्निशिंग में गर्म किया जाता है और गर्म होने पर दूसरे सांचे में डाल दिया जाता है, जो उसे पटरी का आकार दे देता है। अब इसके जिसको काट कर इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन्हें ट्रेन के पहियों के नीचे से गुजारा जाता है, जो फैक्ट्रीज में ही लगी होती हैं। ऐसा करने से इन पटरियों का शेप भी सीधा हो जाता है, साथ ही इनकी टेस्टिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये है उस ट्रेन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिस ट्रेन में कई हजारों लाखों लोग रोजाना सफर करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। और इसी के साथ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को